हम जानना चाहेंगे कि डायबिटीज की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या तकलीफें हो सकती है। तो आपने कई बार ख्याल किया होगा कि डायबिटीज का शुगर का रिपोर्ट समझो 250-300 होते थे भी या घूमते फिरते कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, और कभी कभी शुगर नॉर्मल होते हुए हार्ट का अटैक भी आ सकता है, ब्रेन का अटैक भी आ सकता है। तो राज क्या है? तो राज ये है कि डायबिटीज़ की वजह से खून का सर्कुलेशन में कमी होने की वजह से तकलीफें होती है। बड़ी नसों में जब नसल सर्कुलेशन कम फिरता है तो ब्रेन का अटैक एंड स्ट्रोक आता है, हार्ट में तकलीफ होने से हार्ट अटैक आता है, और पाँव में सर्कुलेशन न मिलने से गैंग्रेन हो सकता है। वैसे शरीर में छोटी भी नसें रहती हैं, और ये छोटी नसों में जब सर्कुलेशन कम होता है तो खास तौर पे रेटिनोपैथी यानी आँख पे पर्दे के ऊपर असर आती है और गुर्दों के ऊपर असर आती है। तो मेनली 4-5 अवयवों पे तकलीफ होती है, ब्रेन, रेटिना, हार्ट, किडनी और पाँव, लेग्स। ये सब में प्रॉब्लम होता है सर्कुलेशन कम होने की वजह से। ये क्यों होता है? तो सर्कुलेशन में रुकावट आती है और खून गाढ़ा बन जाने की वजह से वो अच्छे से फेर नहीं सकता है। तो रुकावट क्यों होती है? तो अंदर नसों में ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक क्यों होते हैं? तो ब्लॉक होने की वजह से शुगर की धीरे धीरे आई हुई असर उपरांत अलावा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टबेको, तनाव, वो सब की वजह से नसों में चौकअप होते हैं। और जब खून कम फिरता है, खून ज़्यादा हो जाता है, तब एक बार उसमें अटैक आने की वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक आता है, तो गैंग्रीन होता है। स्लोली असर आने से रेटिनोपैथी, आँख के पर्दे के ऊपर असर, किडनी फेल होती है। और ये इसके लिए आपका कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, और सर्कुलेशन अच्छे से हो उसके लिए कई केस में आपके डॉक्टर एस्पिरिन भी देने की सलाह देंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशन जानना बहुत महत्व के हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से आदमी की लॉन्ग टर्म असर होती है, ज़्यादा कभी कभी जान भी जा सकती है।